हेलो बच्चों, नमस्कार। पावर इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में आज लेक्चर नंबर 21 है और आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर मॉसफेट। तो बच्चों, आज हम पावर मॉसफेट के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। आइए, हम कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने से पहले इस पावर मॉसफेट के बेसिक सर्किट डायग्राम को समझते हैं। आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एक पावर मॉसफेट है। इस मॉसफेट के तीन टर्मिनल हैं, ड्रेन, सोर्स एंड गेट। बच्चों, हम यहाँ पे दो प्रकार से बायसिंग करेंगे। एक बायसिंग हम करेंगे ड्रेन और सोर्स के बीच में, और दूसरी बायसिंग जो करेंगे वो करेंगे गेट और सोर्स के बीच में। पुराने वीडियोस में कई बार मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि एक मेन बायसिंग होती है जो हमेशा ड्रेन और सोर्स टर्मिनल के बीच में होती है, और एक कंट्रोल टर्मिनल बायसिंग होती है जिसको हम यूज़ करके अपने डिवाइस को टर्न ऑन करते हैं, ट्रिगर करते हैं। तो बच्चों, यहाँ ड्रेन और सोर्स के बीच में बायसिंग करने के लिए मैंने बैटरी को के पॉजिटिव टर्मिनल को ड्रेन से जोड़ा और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को सोर्स से जोड़ा। बच्चों, यहाँ पे रेसिस्टेंस RD है जो एज ए लोड रेसिस्टेंस यहाँ पर रिएक्ट करेगा। सिमिलरली बच्चों, गेट और सोर्स को बायस करने के लिए मैंने यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट किया, और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो गेट टर्मिनल से कनेक्टेड है, जो निगेटिव टर्मिनल है वो हमारे सोर्स टर्मिनल से कनेक्टेड है। जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए करेंट है बच्चों, वो ड्रेन का करेंट है, और उसके वोल्टेज को हमने VDS लिया, यानी वोल्टेज अक्रॉस ड्रेन टू सोर्स, जो ये वोल्टेज होगा। तो आइए इस सर्किट डायग्राम की मदद से अभी हम इसके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करते हैं। बच्चों, हमारा मॉसफेट नॉर्मली तीन मोड में ऑपरेट करता है। ये यहाँ बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स तो ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उसके पीछे का साइंस उनको समझ में नहीं आता, इसलिए वो उसको रटने की कोशिश करते हैं। बच्चों, एक डिवाइस तीन मोड में ऑपरेट होगा। पहला मोड होगा कट ऑफ मोड, जिसको हम समहाउ ऑफ मोड बोलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, नाम में ही है, कट ऑफ, यानी ये सिस्टम में ऑफ है, कट है। दूसरा मोड होता है बच्चों ट्रायड मोड या लीनियर रीजन मोड, जिसको हम ओमिक मोड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ओम्स लॉ लीनियर पटीज को शो करते हैं, इसलिए इसको लीनियर मोड भी बोलते हैं। थर्ड मोड, जिसमें मेरे डिवाइस नॉर्मली ऑपरेट होता है, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन मोड और एक्टिव मोड। तो आइए बच्चों, एक एक करके तीनों मोड को हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कट ऑफ मोड की। कट ऑफ मोड किसी भी मॉसफेट का वो कंडीशन है बच्चों, जिसमें मेरा डिवाइस अपने थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम वोल्टेज को अचीव करता है। जस्ट टेक फॉर एग्जांपल, कि यहाँ तक मेरा डिवाइस कट ऑफ मोड में है, और वो कट ऑफ मोड में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो VGS की वैल्यू है वो लेस देन है VTH। VTH वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है जिसके बाद मेरा डिवाइस टर्न ऑन यानी कंडक्शन मोड में चला जाएगा, मेरे डिवाइस में करंट का कंडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों, VGS यहाँ पे गेट टू सोर्स बायस वोल्टेज, और जो VTH है दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ डिवाइस। सिमिलरली आप इस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देख सकते हैं, ये जो मोड कहलाता है कट ऑफ मोड, क्योंकि यहाँ VGS की वैल्यू हमारे थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है। बच्चों, सेकेंड मोड की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड ओमिक मोड। ओमिक मोड बोलने के पीछे रीजन यही है क्योंकि इस मोड में ओम्स लॉ फॉलो होता है, और इसलिए इसको हम ओमिक मोड बोलते हैं। बच्चों, ये वो कंडीशन है जिसमें जो मेरा गेट टू सोर्स वोल्टेज होगा उसकी वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा होगी। जैसे वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज को अचीव करेगा, यानी इस वाले मोड में, इस वाले रीजन में जो VGS है बच्चों वो ग्रेटर देन VTH है, तो मेरे डिवाइस में सडनली करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं ओमिक मोड, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लीनियर है और ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है बच्चों, तो लीनियर मोड या फिर ओमिक लॉ मोड। वह जो तीसरा मोड है दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन मोड, जिसको हम एक्टिव मोड भी बोलते हैं। सैचुरेशन मोड या एक्टिव मोड तभी अचीव होता है जब मेरा डिवाइस ओमिक मोड को अचीव कर ले, यानी एक टाइम के बाद आप कर वोल्टेज की वैल्यू कुछ भी बढ़ाओगे, मेरे डिवाइस में जो करंट होगा वो चेंज नहीं होगा, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन या सैचुरेशन मोड। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब VGS की वैल्यू जीरो थी तब तक कट ऑफ मोड, गेट टू सोर्स वोल्टेज 1 पे मैं देख रहा हूँ, इस पॉइंट पे मेरा डिवाइस सैचुरेशन मोड पे चला गया। फिर मैंने गेट टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ाया तो वहां इस पर्टिकुलर ड्रेन करंट पे मेरा डिवाइस सैचुरेशन मोड में गया। तो इस तरीके से बच्चों, तीसरा जो मोड है जिसमें मेरा डिवाइस एक्टिवली ऑपरेट होता है, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन मोड। आइए बच्चों, अब हम इसके दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स फटाफट समझ लेते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स।
तो बच्चों इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इनपुट पैरामीटर्स के बीच में ड्रॉ होगा। मेरे पास इनपुट पैरामीटर्स है वोल्टेज अक्रॉस गेट टू सोर्स, जिसकी वजह से मेरा गेट ट्रिगर करेगा, और दूसरा है ड्रेन करंट जो कि कंडक्शन जो कि फ्लो हो रहा है मेरे डिवाइस के टर्न ऑन होने के बाद। तो इस रीजन तक बच्चों मेरा डिवाइस ऑफ है, क्योंकि इस रीजन तक मैं यहाँ पे पहले भी आपको समझा चुका हूँ जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है और इसलिए इसको कट ऑफ मोड बोले। और इस वोल्टेज के बाद जैसे ही मेरे डिवाइस में जो गेट टू सोर्स वोल्टेज होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा थ्रेशोल्ड वोल्टेज से, तो यहाँ पे लिनियरली करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि यहाँ ड्रेन करंट और वोल्टेज के बीच में हमने इस कर्व को ड्रॉ किया है। बच्चों अगर ये नॉर्मल मॉस्फेट होगा तो यहाँ करंट मिली एम्पियर मिलेंगे, और अगर ये पावर मॉस्फेट होगा तो यहाँ करंट हम एम्पियर मिलेंगे। बच्चों अब हम बात करते हैं मॉस्फेट के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज की बात करेंगे। तो आइए इसी सर्किट को यूज करके हम ड्रेन करंट वर्सेस ड्रेन वोल्टेज यानी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जो है मेरा उसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं। पहला मोड जिसमें बच्चों मेरा डिवाइस ऑफ मोड में है दैट इज कॉल्ड कट ऑफ मोड, क्योंकि यहाँ गेट टू जो सोर्स वोल्टेज है उसकी वैल्यू कितनी है जीरो, मतलब गेट से कोई ट्रिगरिंग नहीं हुई है, यानी यहाँ पे सिर्फ स्मॉल लीकेज करंट फ्लो होगा ड्रेन करंट के फॉर्म में। बच्चों एक बार मेरे डिवाइस में गेट टू सोर्स वोल्टेज मिलना चालू हो गया यानी गेट करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, वो पॉजिटिव करंट मेरे डिवाइस को टर्न ऑन करेगा, उसके बाद मेरे डिवाइस के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कैसे कैसे ड्रेन करंट की वैल्यू बढ़ रही है। किसी पर्टिकुलर गेट वोल्टेज पे ड्रेन करंट की वैल्यू फिक्स होगी, जैसे जैसे हम गेट टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे ड्रेन करंट का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। तो पहला मोड बच्चों कट ऑफ मोड था। दूसरा मोड जिसमें ओमिक कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हुआ दैट इज कॉल्ड ओमिक मोड या फिर लीनियर मोड, और तीसरे मोड में जिसमें मेरा डिवाइस ऑपरेट होता है दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन मोड और एक्टिव मोड। तो बच्चों ये था मेरे मॉस्फेट का इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बार बार इंटरव्यू में रिजेक्ट होते हैं? क्या आज भी रिज्यूम बनाना आपके लिए सरदर्द है? तुमसे ना हो। क्या एचआर इंटरव्यू आपको डराता है? क्या आप आज भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस का सही आंसर नहीं दे पाए? अरे हाँ भाई हाँ। तो परेशान मत होइए, आपके लिए मैं एक जादू की छड़ी लेकर आया हूँ जो आपके जीवन को बदल देगी और आज से असफलता आपसे कोसों दूर होगी। और वो जादू की छड़ी है इंजीनियरिंग इंटरव्यू इनसाइट्स द अल्टीमेट गाइड टू टेक्निकल एंड एचआर क्वेश्चंस एंड आंसर। सही सुना आपने, ये बुक आपको एक अलग ही दुनिया में लेकर जाएगी। इस बुक से पढ़ने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा। इसमें सब कुछ है, टेक्निकल क्वेश्चंस का जवाब, एचआर इंटरव्यू के सही तरीके और रिज्यूम बनाने का आसान राज। दिस बुक इज अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न। चेक लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स।